हाँ जी दोस्तों, आज पीडीवी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड आज के क्यू एन ए के लिए हमने हमेशा से थोड़े से ज्यादा 24 क्वेश्चंस पिक किए हैं एंड जिनका मैं जवाब आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले थैंक यू सो मच पीडीवी फैमिली के, आप इतने बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं एंड हमको आंसर देने में काफी मजा आता है। एंड अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं होता है भाई, तो सैड मत होना, निराश मत होना, चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको क्वेश्चन पिक करूं एंड उसका जवाब देने की कोशिश करूं। यहां पर 24 क्वेश्चंस है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को और ले लेते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन, जो कि है मिस्टर समर खान की तरफ से। ये बोलते हैं, सर आई हैव पोको F3 GT, इज इट वर्थ टू अपग्रेड टू रियलमी 9 प्रो प्लस? प्लीज मेक अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन रियलमी 9 प्रो प्लस एंड Xiaomi 11i। तो भाई कंपैरिजन वीडियो तो आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। एंड पोको F3 GT अगर आपके पास में है तो आई डोंट थिंक कि रियलमी 9 प्रो प्लस पर आपको अपग्रेड करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक बीस्ट है तो मेरे को नहीं लगता है कि रियलमी 9 प्रो प्लस पर आपको स्विच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर संजय कुमार की तरफ से और ये भी क्वेश्चन रियलमी 9 प्रो प्लस को लेकर के है। रियलमी 9 प्रो प्लस या नॉर्ड CE2 लूं, प्लीज बताओ सर। यार नॉर्ड CE2 के कंपैरिजन में तो रियलमी 9 प्रो प्लस बेटर है, फिर वही परचेस कर लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर शोएब काजी की तरफ से, ये बोलते हैं अंडर 20,000 बेस्ट मोबाइल गेमिंग के लिए। और इस क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन मेरे लिए हो ही नहीं सकता था भाई। आंख बंद करो, पोको X3 प्रो परचेस कर लो, बीस्ट परफॉर्मेंस वहां पर आपको मिलेगी, सॉलिड गेमिंग होगी, मजा आएगा भाई। पोको X3 प्रो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर AK एंटरटेनमेंट की तरफ से, ये बोलते हैं बेस्ट कैमरा फोन अंडर 50K एंड आप कौन सा फोन यूज करते हो? तो पर्सनली मेरा फोन कहाँ गया भाई, तो पर्सनली तो मैं OnePlus Nord 2 यूज करता हूँ। एंड बेस्ट कैमरा फोन अंडर 50K की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आप Vivo X70 Pro परचेस कर सकते हो भाई, उसके अंदर बहुत ही सॉलिड कैमरा आपको मिलता है। सो यस, मेरे हिसाब से जो मेरी पिक है वो Vivo X70 Pro रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सागर मंडल की तरफ से, ये पूछते हैं Redmi Note 11 Pro 5G इंडिया प्राइस क्या होगा और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट? भाई लॉन्च डेट तो अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। आने वाले एक दो वीक में ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा एंड प्राइस 20,000 के आसपास रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 19,999 रुपए के प्राइस पॉइंट पर इसका बेस वेरिएंट आ सकता है। एंड डिटेल्ड वीडियो मैंने कल शाम को ही डाला है, अगर आपने नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जा करके जरूर से चेकआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सोनू बघेल की तरफ से, ये पूछते हैं सर एनी अपडेट रिगार्डिंग माइक्रोमैक्स इन 5G एंड आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? भाई माइक्रोमैक्स का कोई भी फोन आता है ना, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि माइक्रोमैक्स इस बार क्या करने वाला। और इस बार लिटरली माइक्रोमैक्स ने मुझे सरप्राइज किया था जब इन नोट 2 लॉन्च किया गया था। सॉलिड स्मार्टफोन सॉलिड प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया था एंड माइक्रोमैक्स इन 5G को लेकर के अभी तक कोई भी मेजर अपडेट निकल करके नहीं आई है। जैसे ही आएगी भाई अपने चैनल पर आपको मिल ही जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसका, इफ इन टू लॉन्च अंडर 10K विल इट बी द बेस्ट अंडर 10K एंड क्या आप उसे बाय करके रिव्यू करेंगे? भाई बाय करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पर आता है। वैसे तो भाई माइक्रोमैक्स जो है हमेशा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट देता है, तो आई थिंक इन टू जो है वो 10,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। 10,000 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा भाई, इस चीज को लेकर के गारंटी नहीं है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे चैनल के ऊपर रिव्यू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर थोर गेमिंग की तरफ से, ये पूछते हैं पीटीवी सर 26K तक में कोई बेस्ट फोन बताओ गेमिंग प्लस मल्टीटास्किंग के लिए, 2-3 साल यूज करना है। माय यूजेस इज नॉर्मल गेमिंग एंड ट्रेडिंग एंड सम मल्टीटास्किंग वर्क्स। यार 26,000 तक में आपको अगर परचेस करना है ना, तो मेरे हिसाब से Xiaomi 11i आप परचेस कर लो। मैंने इस फोन को यूज किया है और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था उस डिवाइस से। MIUI 13 भी आ जाता है, MIUI 12.5 है, काफी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देता है एंड फोन का जो हार्डवेयर है वो भी काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से Xiaomi 11i की तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर पवन ठाकुर की तरफ से, ये बोलते हैं विच वन शुड आई बाय, Realme 9 Pro Plus और OnePlus Nord CE2 और Mi 11i? प्लीज सजेस्ट मी ब्रदर। Mi 11i, मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा Mi 11i है, उसके बाद में मैं रखूंगा Realme 9 Pro Plus को और आखिरी में मैं बोलूंगा OnePlus Nord CE2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पिनाकी मुखर्जी की तरफ से, ये बोलते हैं आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं भाई, आप कमेंट करके जरूर से बताना कि आपके क्या हाल चाल है एंड बेस्ट मोबाइल फॉर BGMI
अंडर 25,000 प्लीज पिक माय क्वेश्चन। 25,000 के अंदर अगर आपको गेमिंग करनी है ना, आईक्यू Z5 परचेस कर लेना, बहुत मजा आएगा भाई, परफॉर्मेंस बहुत सही वहां पर आपको मिलती है। सो मेरे हिसाब से 25,000 के अंदर आईक्यू Z5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर त्वाहिदुल इस्लाम की तरफ से, एंड ये पूछते हैं कौन सा स्मार्टफोन आप पसंद करते हो, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा या आईफोन 13 प्रो मैक्स। टफ चॉइस, लेकिन भाई साहब मेरा जो मन बोलता है वो अभी भी आईफोन 13 प्रो मैक्स बोलता है, क्योंकि वो फैंटेसी है भाई मेरी, मेरे को आईफोन परचेस करना है, मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है अगले एक साल में मेरे को आईफोन पर स्विच करना है एंड प्रो सीरीज पर ही जाना है, प्रो सीरीज पर ही। आईफोन 12 तो मैं खरीद सकता था लेकिन मुझे ये वाले फोन यूज नहीं करने, मेरे को प्रो सीरीज यूज करना है। सो यस, इन दोनों में से मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स को पिक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर विशाल कुमार की तरफ से, ये बोलते हैं अंडर 25K में रियलमी GT मास्टर एडिशन और सैमसंग गैलेक्सी A52 में से कौन सा फोन लें। Realme GT Master Edition ले लो, बढ़िया स्मार्टफोन है, बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर विवेक कुमार की तरफ से, ये पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट Realme 9 Pro Plus बिकॉज आई थिंक इट इज ओवर प्राइस्ड। यस, थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेसिफिकेशंस अच्छी देता है लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी उस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च नहीं हुआ है। 2,000 रुपये महंगा मेरे को लगता है ये जो स्मार्टफोन है, 23,999 या 22,999 के प्राइस पॉइंट पर आना था, 23,000 में हमको मिलना चाहिए था, उसके बाद में बैंक ऑफर, तो ये फोन अच्छा रहता। 25,000 के प्राइस पॉइंट पर थोड़ा सा मेरे को ओवर प्राइस लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ रेडमी नोट 11 प्रो 5G, विल इट कम अंडर 20K? जी हाँ, 20K के अंदर आ सकता है और आएगा ही, ऐसा भी सुनने में आ रहा है भाई कि बेस वेरिएंट जो है वो 20,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बाय द वे थैंक यू फॉर आंसरिंग माय प्रीवियस क्वेश्चन इन द प्रीवियस Q&A, लव यू ब्रो, बिग फैन ऑलवेज, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अभिषेक कुमार यादव की तरफ से, एंड ये बोलते हैं ब्रो 16K में रियलमी 9 प्रो सही रहेगा, मुझे 5G फोन लेना है इस प्राइस में या नोट 11 प्रो का वेट करूं, आई हैव HDFC डेबिट एंड क्रेडिट बोथ कार्ड्स। मेरे हिसाब से नोट 11 प्रो का वेट कर लो भाई, क्योंकि रियलमी 9 प्रो के अंदर कुछ कमियां हैं, एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि रियलमी नोट 11 प्रो का वेट करो, वैसे भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, ज़्यादा वेट आपको करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर स्टार म्यूजिक की तरफ से, ये बोलते हैं लव फ्रॉम राजस्थान, लव यू टू ब्रो, एंड ये पूछते हैं मी 12 अल्ट्रा के बारे में कुछ लीक्स हैं क्या। तो मी 12 अल्ट्रा को लेकर के मेरे पास तक अभी तक कोई लीक्स निकल करके नहीं आई है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इनका, माइक्रोमैक्स से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। माइक्रोमैक्स से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि माइक्रोमैक्स फ्रिक्वेंटली स्मार्टफोन्स लॉन्च करे, फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्मार्टफोन आज लॉन्च कर दिया फिर 4 महीने 5 महीने की गैप हो गई फिर एक स्मार्टफोन आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी गैप में। अब ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने में 4 स्मार्टफोन आप लॉन्च कर दो, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन फ्रिक्वेंटली स्मार्टफोन्स लॉन्च करने पड़ेंगे अगर मार्केट कैप्चर करना है तो। एंड नॉट ओनली स्मार्टफोन, माइक्रोमैक्स ने TWS भी लॉन्च करे थे और काफी सही थे, तो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए माइक्रोमैक्स को, यही मैं माइक्रोमैक्स से एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड 25,000 में बेस्ट ऑलराउंडर फोन मेरे लिए, 2 साल हो गए मेरे पुराने फोन को लैग मिलता है, 25,000 के अंदर भाई मी 11i, अगेन Xiaomi 11i मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, वो परचेस कर सकते हैं, बहुत सही फोन है, मजा आएगा आपको यूज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर चंदन कुमार की तरफ से, ये बोलते हैं स्नैपड्रैगन 865 या मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर। क्लियरली मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 विल बी ए बेटर परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, तो डायमेंसिटी 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर किशन लाल अग्रवाल की तरफ से, ये पूछते हैं वेदर आईक्यू 9 प्रो और पोको F4 GT। आई वुड गो फॉर आईक्यू 9 प्रो क्योंकि आईक्यू बहुत तगड़ा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, मार्क माय वर्ड्स, काफी सही स्मार्टफोन आने वाला है एंड आईक्यू 9 प्रो में आपको सॉलिड परफॉर्मेंस मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राहुल वत्स की तरफ से, ये बोलते हैं हेलो भाई कैसे हो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन ब्रो, आप बताना कमेंट में कैसे हो। एंड ये बोलते हैं आईक्यू का कोई फोन आने वाला है क्या 20-30 हज़ार की रेंज में और इस ईयर, और सजेस्ट मी बेस्ट फोन अंडर 30K जो मैं मार्च या अप्रैल में खरीद सकूं। 20-30 हज़ार की रेंज में भाई आईक्यू 9SE आई थिंक ये वाला जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल सकता है 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास रहेगा, ये चीज याद रखना, और आईक्यू 9SE डेफिनेटली आएगा और मार्च अप्रैल तक डेफिनेटली आ ही जाएगा, तो आप मार्च अप्रैल में वही स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर समीर जेदी की तरफ से, ये पूछते हैं सर पोको X4 प्रो क्या स्नैपड्रैगन 860 से डाउनग्रेड आएगा इस बार,
आंसर मी, आई एम वेटिंग फॉर पोको X4 प्रो। पोको X4 प्रो का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं एंड जितने भी लोग वेट कर रहे हैं आई थिंक सभी डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि पोको X4 प्रो जो है इस बार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ में आने वाला है एंड दैट विल बी अ बिग 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 डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि भाई 860 और 695 का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है एंड यस इस बार डाउनग्रेडेड प्रोसेसर के साथ में आने वाला है। आई होप ना आए ये जो स्मार्टफोन जिसकी लीक निकल के आ रही है वो X4 निकले, X4 प्रो अगेन हमको फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में मिले, लेकिन बहुत कम चांसेस है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नीरज प्रसाद की तरफ से, ये बोलते हैं रियलमी 9 प्रो प्लस का OIS फेक है क्या? यार फेक नहीं बोल सकते हो आप, हार्डवेयर तो वहां पर डाला गया है, ऐसा नहीं है कि वो फेक है, लेकिन उतने बेटर तरीके से काम नहीं कर रहा है एंड हमारे ज्ञान थेरेपी वाले राकेश भाई उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, कितना काम करता है। स्टिल फोटोग्राफी में काम करता है वो, लेकिन वीडियो में उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। सो यस फेक आप उसको नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप उसको एक बहुत अच्छा OIS भी नहीं बोल सकते हो, इतना बेटर तरीके से काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सप्तर्षि जाना की तरफ से, ये बोलते हैं विच वन इज बेटर एज एन अल्टीमेट ऑलराउंडर, Xiaomi 11i, iQOO Z5, Realme 9 Pro Plus एंड OnePlus Nord CE2। अब भाई ये जो सीरीज आपने दी है ना, बस मैं भी इन्हीं को रिपीट करने वाला हूँ। सबसे बेस्ट है Xiaomi 11i, उसके बाद में iQOO Z5, उसके बाद में है Realme 9 Pro Plus एंड उसके बाद में OnePlus Nord CE2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पल्त्री जीत की तरफ से, ये बोलते हैं हेलो सर हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन ब्रो। आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आप कैसे हो। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव फ्रॉम इंडिया ब्रो एंड आई हैव टू क्वेश्चंस, प्लीज पिक माइन। फर्स्ट इज सर आई हैव टू क्वेश्चंस, प्लीज सजेस्ट मी शुड आई बाय Realme 9 Pro Plus, माय रिक्वायरमेंट इज बेस्ट कैमरा गेमिंग डिस्प्ले। यार ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे कैमरा और गेमिंग और डिस्प्ले वाला फोन लेना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है Xiaomi 11i, इससे बेटर है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, कैमरा भी उस फोन का अच्छा है एंड बैटरी उसकी अच्छी है एंड उसी के साथ में गेमिंग भी काफ़ी सही आपको करा देता है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। एंड Realme 9 Pro Plus तो आप परचेस कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सजेस्ट मी एन ऑलराउंडर फोन अंडर 13,000 रुपीज़, तो 13,000 के आसपास भाई आपको Infinix Note 11s मिल जाता है, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एंड उसी के अलावा अगर देखा जाए, थोड़ा सा पैसा अगर आप डाल सकते हैं तो आप माइक्रो मैक्स इन नोट 2 परचेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सही फ़ोन है। एंड उसके अलावा रियलमी 8i जो है वो सेल में कभी कभी आपको 13,000 के आसपास मिल जाता है, 13,000 के अंदर ही मिल जाता है। सो यस इन तीन फ़ोन में से किसी एक की तरफ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला बॉयज की तरफ से, ये बोलते हैं हु इज़ बेस्ट Infinix Zero 5G वर्सेज पोको X3 प्रो अंडर 20,000 फॉर गेमिंग। यार मेरे हिसाब से पोको X3 प्रो जो है वो अभी भी बेटर है, क्योंकि भाई स्नैपड्रैगन 860 एंड डायमेंसिटी 920 बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है यार मीडियाटेक के प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो अभी भी मैं सजेस्ट करूंगा पोको X3 प्रो को, लेकिन अगर आपको एक लेटेस्ट डिवाइस लेना है तो आप Infinix Zero 5G की तरफ भी देख सकते हैं। आई एम सॉरी मैंने शायद Dimensity 920 बोला, Zero 5G के अंदर MediaTek Dimensity 900 है। सो मेरे हिसाब से Poco X3 Pro विल बी अ बेटर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है DJ विशाल की तरफ से, ये बोलते हैं 12K में Infinix Note 11 लेना ठीक होगा क्या मीडियम गेमर? 12K में Infinix Note 11 अच्छा ऑप्शन है, देख सकते हो आप, AMOLED का डिस्प्ले है उसमें, G88 का चिपसेट है। सो यस मीडियम गेमिंग अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का मिस्टर टेकी गौतम 2.0 की तरफ से, ये बोलते हैं क्या 2022 में टेक चैनल खोलना सही होगा? भाई साहब अगर आपको चैनल खोलना है किसी भी साल आप ओपन करें उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अगर आपका कंटेंट अच्छा है एंड आप 2022 में ओपन करते हैं तो भी आपका चैनल चल निकलेगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने आज से 5 साल पहले चैनल चालू करके रखा हुआ था तो भी भाई उतनी ग्रोथ नहीं मिलती है। सो भाई साहब ये नहीं देखना है कि मैं चालू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बस कर देना है और करते जाना है, यही मंत्र है। तो भाई साहब ये था आज का Q&A सेशन, आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिले होंगे। अगर नहीं मिले हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, वापस से आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना भाई। हमारी PTB फैमिली जो है ना काफ़ी छोटी है इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पर हम 1,15,000 के आसपास जुड़ चुके हैं, वहाँ पर केवल 910 हैं,
तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।